मैसेल्फ रितेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी ट्रस्ट मुलथल के ऊपर। कैसी है यूनिवर्सिटी है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, उन कोर्सेज की फीस क्या है, उनमें प्लेसमेंट कितना होता है, कौन कौन सी टॉप कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं, कैंपस ऐसा है, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू की। यह यूनिवर्सिटी 6 नवंबर 2006 को मुरथल में बनी है, जो कि सोनीपत में है। यह सोनीपत रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है, 273 एकड़ का कैंपस है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज इसमें ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले है बीटेक प्रोग्राम्स, इसमें सीएससी, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसीई, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ये कोर्सेज बीटेक में ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद में आती है हमारी बीएससी, एमएससी, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद में है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, एम आर्किटेक्चर, एम प्लान, एम टेक प्रोग्राम्स में कौन कौन से हैं, सीएससी, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसीई, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद में आता है एमबीए, एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में आता है एमबीए 5 ईयर ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, ये कुछ कोर्सेज हैं जो इसमें ऑफर किए जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के ऊपर, कितना लोवेस्ट पैकेज जाता है, कितना हाईएस्ट पैकेज जाता है, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो बीटेक के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हाईएस्ट पैकेज जाता है 8 to 10 LPA और एवरेज पैकेज जाता है 4 to 5 LPA। ये पिछले 3 साल का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं पीछे स्क्रीन पर। इसके बाद में बात करते हैं पीजी प्रोग्राम्स की, इसमें आप देख सकते हैं जो प्लेसमेंट होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, किसी साल प्लेसमेंट हो जाते हैं और किसी साल ए बी स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हो पाता। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी टॉप कंपनीज यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं। सबसे ऊपर है TCS, अडोब, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, डाबर, होंडा, आइडिया, टाटा पावर, हिटची, TCL, विप्रो, SCL, JBM, ये कुछ टॉप कंपनीज है जो हाईएस्ट पैकेज देती हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके कैंपस की। जो इसका कैंपस है वो बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं पीछे यह इसका कैंपस है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। बीटेक में जो इसकी फीस होती है हॉस्टलर के लिए वो होती है 51,400 रुपीज, जो सेरिन में हॉस्टल लेते हैं बच्चे उनके लिए होती है 49,400 रुपीज, जो डे स्कॉलर होते हैं उनके लिए होती है 45,400 रुपीज, यह बीटेक के लिए फीस है। इसके बाद में आती है हमारी बीएससी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स, इसमें जो फर्स्ट 3 ईयर्स फीस होती है पर सेम वो होती है 16,550 रुपीज, जो लास्ट के 2 ईयर्स होते हैं उसमें पर सेम फीस होती है 22,900 रुपीज, जो अदर चार्जेज होते हैं यूनिवर्सिटी के वो होते हैं 10,000 रुपीज। इसके बाद में जो टोटल फीस होती है बीएससी प्रोग्राम्स के लिए वो होती है 2 लाख नियरली, पूरे कोर्स के लिए इतनी फीस होती है। इसके बाद में हम देखते हैं एमटेक प्रोग्राम्स के लिए जो टोटल फीस होती है वो होती है 90,000 रुपीज, और अदर पीजी कोर्सेज के लिए जो फीस होती है वो होती है 85,500 रुपीज। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी फैसिलिटी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले है लाइब्रेरी, हेल्थ सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री हाई स्पीड वाईफाई, NSS एंड NCC, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, हॉस्टल एंड मैस फैसिलिटी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, कैफेटेरिया, ये कुछ फैसिलिटी है जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। मोड ऑफ एडमिशन क्या है, कैसे आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जो बीटेक के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें एडमिशन के लिए आपको एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है जो HSTES कंडक्ट करवाता है ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेंस रैंक। जो अदर प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटी में उनमें यूनिवर्सिटी अपने आप एडमिशन लेता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रितेश कुमार एंड प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल।